नमस्कार बच्चों, अध्याय चार, दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीका। इसके बारे में हम समझा दे जरा कि आपके बोर्ड परीक्षा में जो 30 प्रश्न आएंगे बोर्ड पेपर में, उसमें संभवतया 26वां प्रश्न इस अध्याय से 6 नंबर के आने की संभावना है। ठीक है, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, 26वां, जहां से 6-6 नंबर के अंक स्टार्ट होंगे। तो इनमें एक खास बात जो बतानी है बच्चों, वो समीकरण दिए हुए होने पे किस तरह से सारणी बनाते हैं, सबसे जरूरी बात वो है। तीन बातें हैं इसमें। नंबर एक, अगर कभी कोई सवाल आए तो उसमें समीकरण बनाना आना चाहिए आप लोगों को, समीकरण बनाना कि किस तरह से समीकरण बनाए जाते हैं एक्स वाई की फॉर्म में। दूसरा काम सारणी बनाना। सारणी किस तरह से कि यदि x का मान ये तो y का मान ये, x का मान ये तो y का ये, या कभी कभी y के मान माने तो x के ये, तो एक ये सारणी बनाना। और फिर तीसरा जो काम है वो है ग्राफ का, ग्राफ में उसको प्रकट करना, पैमाना। कभी कभी बच्चो सुनो, सवाल थोड़े से बड़े आ जाते हैं, कैसे कि जैसे रन बनाने वाले हैं ना, या किताबों की और कुछ पेन की संख्या, इतनी किताबें इतने पेन, इनका कुल मूल्य इतना है, या कभी टेबल और कुर्सियां ले ली, इनका टोटल मूल्य इतना है। उसमें बच्चों 1, 2, 3, 4 वाले मान उचित नहीं रहते हैं, हो सकता है 50 रुपए 100 रुपए इस तरह के पैमाने में हम लेके चले, तो वो भी आप लोग पुराने प्रश्न पत्र से देख सकते हैं किस तरह के सवाल आया करते हैं। आप ये नहीं माने कि इस वर्ष ये बुक नई आई है तो ग्राफ का कैसा आएगा, बच्चों पुराने पेपर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल समीकरण बनाना, तो इस तरह के कुछ सवाल आए तो वो युगपत समीकरण जो कहलाते हैं एक्स और वाई, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, खासतौर से सेकेंड और थर्ड इनकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उससे पहले हम आपको इन जो x और y वाले दो चर वाले समीकरण होते हैं उनका व्यापक रूप ये होता है, ax plus by plus c equals to 0। अब इनमें सुनो बच्चों, ax plus by plus c equals to 0 इस फॉर्मेट में होता है, उसमें जो भी अचर पद यहां पे है उसको हम इधर ले आते हैं तो वो a b और c की वैल्यू हमें दे देता है। इनमें अगर दो अलग अलग समीकरण है ना बच्चों, तो 1 और 2, 1 और 2 लगा के उनमें फर्क कर देते हैं, कैसे। पहला a1x plus b1y plus c1 equals to 0, और दूसरे में a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ये शून्य है बच्चों, पुनः पुनः देखिए, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, तो इस तरह से ये जो दो समीकरण है ना, ऐसे दो समीकरण आप लोगों को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बता दें कि कौन से संगत निकाय होते हैं, कौन से असंगत निकाय होते हैं। ठीक है ना, किस तरह के दो समीकरण वो संगत कंसिस्टेंट कहलाते हैं और इनकंसिस्टेंट असंगत होते हैं। और सुनो, इन समीकरण को देखने से ये भी पता चल जाता है कि इनका ग्राफ बनाने पे एक बिंदु मिलेगा, एक उत्तर मिलेगा, अनंत हल होंगे या कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, तीन स्थितियां हैं, तो आइए हम उन तीनों स्थितियों से परिचित करा दें। बच्चों सुनो, कभी भी हम कोई भी नई चीज लेंगे, चूंकि हम अध्याय चार आज ही समझा रहा है, आज पहली बार ही आप लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल एक एक बात हम क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है ना बच्चों, हम नहीं चाहते कि हमारे कुछ बच्चे ये चीज समझे नहीं, उनको समझ नहीं आई ये। ठीक है ना, कुछ बच्चे तो समझ चुके बहुत अच्छी तरह से, लेकिन आप सोच के चलिए कि एक साथ 80,000 बच्चों के लिए हमारे को कुछ सोच के चलना पड़ता है कि कौन सा तरीका अपनाया जाए कि हमारे नन्हे मुन्ने को भी समझ में आ जाए और 100% वाले को भी शानदार लगे ये क्लासेज। यस कमॉन,
इधर 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 ध्यान दीजिए आप लोग बच्चों, इनमें क्या होता है कि जो दो समीकरण होते हैं ना, उनमें a1 अपॉन a2 इनका हम अनुपात निकालते हैं, अगर वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता तो हम बेचारे c1 और c2 से पूछते ही नहीं है। तो इस पोजीशन में ये जो फर्स्ट स्थिति है, प्रथम स्थिति, इस समय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी हमारे को, इंटरसेक्टिंग लाइन, इस तरह से। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, एक बिंदु पे वो कट करेंगी और इसी को अद्वितीय हल कहते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए, फर्स्ट कंडीशन अद्वितीय हल। ये सब बुक में दिया है बच्चों, लेकिन आप लोग क्या है कभी कभी देखते नहीं हो उसको। ये स्थिति अद्वितीय हल, और इसी को संगत निकाय भी बोलते हैं। कभी कभी आपके पहला सवाल ही 4.1 का यह है कि निम्न ये युगपत समीकरण का जो सेट आप लोगों को दिया है वो संगत है या असंगत है, वो समझ में आ जाएगा। यस, ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड जो इसी में है कि यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, अब जब ये इक्वल होते हैं तो हम c1 c2 के पास भी जाते हैं कि बताइए आपका क्या कहना है। वो कहता है कि साहब मैं भी इन्हीं के इक्वल हूं, अलग नहीं हूं। तो इनमें अनंत हल, इसमें होता क्या पता है, सुनो बच्चों, कि एक रेखा और इसी पे बिचारी दूसरी लाइन आ जाती, इस लाइन पे ही दूसरी आ गई, तो हर एक बिंदु मिलता है इसका, हर बिंदु मिल रहा है, इसलिए इसके अनंत हल। हर बिंदु, ये बिंदु उस पे भी है, उस पे भी है, उस पे भी है, तो एक पे जो लगाएंगे, एक्चुअल में बच्चों एक समीकरण का कोई गुणज ही दूसरा होता है, इसलिए वो हर अनुपात एक सा ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, अनंत हल, और ये निकाय भी संगत निकाय कहलाता है। ठीक है ना, संगत संगत। लेकिन जो तीसरी स्थिति है ना बच्चों, वो क्या है समझिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, जब ये स्थिति आती है तो पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखाएं ग्राफ में मिलती हैं, इस तरह से कि एक ये रेखा और इसी के समांतर ये कोई दूसरी रेखा, ये ग्राफ का बता रहा हूं बच्चों आप लोगों को। कुछ बच्चों को कहना है सर ये तो समांतर नहीं है, ये इधर मिलेगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। आइए समांतर बनाएं, हम क्यों ना स्केल की ही मदद लें। यस, ये इसके समांतर हो गई है। बच्चों होता क्या है कि जो दो समीकरण दिए हुए होते हैं ना, समीकरण से एक लाइन बनती है, ये दूसरी लाइन बनी, तो ऐसे दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी, तो वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी। जब प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोई हल भी नहीं होगा। तो ये पहली स्थिति अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरह का दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, वो कैसे भी कट सकती हैं, हो सकता है बच्चों वो इस तरह से बिल्कुल ये और इसके बिल्कुल पड़ोस से जा रही है, ऐसे किसी भी पोजीशन में बिल्कुल 90 पे भी कट कर सकती है, 90 डिग्री पे कैसे भी हो सकती है। अनंत हल, एक पे ही दूसरी, इसमें दो लाइन है बच्चों, आपको तो एक ही लग रही होगी, इस पे दो है लाइन और ये समांतर, तो इनमें क्या हुआ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखिए, और यही स्थिति असंगत कहलाती है। ठीक है, संगत संगत असंगत। तो आप लोगों को ये एक सारणी में भी दिया हुआ है, पेज नंबर अगर आप 72 देखें मिल जाएगा। और सुनो, सवाल नंबर 1 है ना 4.1 का,
वो तो कह भी यही रहा है कि अनुपातों ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रेखिक समीकरणों की युग्म संगत है या असंगत। आप युग्म भी लिख सकते हो, निकाय भी लिख सकते हो, संगत युग्म, संगत युग्म, असंगत, ठीक है ना बच्चों। ये तीन स्थितियां होगी, तो हम इनमें जो दो दो के सेट दिए हुए वो तेजी से देख लेते हैं बच्चों। आप जल्दी से एक दो मिनट हम आप लोगों को दे रहे हैं, ये उतार लीजिए जिससे आप लोगों को 4.1 का पहला सवाल समझना आसान रहेगा। और इसमें ध्यान रखना बच्चों 4.1 4.2 का कोई भी सवाल आप छोड़िए नहीं, विविध में भी ज्यादा नहीं है, तो 6 नंबर जाने मत दीजिए, आसानी से मिल सकते हैं ये 6 नंबर। जल्दी से उतारिए इसको। यस बच्चों, अब हम पहला सवाल तेजी से आप लोगों को समझा देते हैं, बात यही लगेगी। ये संगत असंगत का आप लोग ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना। एक बार पुनः पुनः हम याद दिला दे बच्चों, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो अथाह सागर इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो पहली बार अध्याय 4 समझ रहे हैं, ठीक है ना। जब भी हम समझाएंगे बिल्कुल यही हमारा तरीका होगा। एक्सरसाइज 4.1 में हम आप लोगों के लिए चलते हैं, पेज नंबर 76। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सुनो बच्चों, सुनो सुनो, एक राज की बात बताऊं, इधर इधर सुनो कि ये जो बराबर 8 बराबर 9 है ना, इनको इधर ले आओ आप। तो पहले बिल्कुल साथ साथ ही बराबर शून्य ले रहे हैं हम, 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और इधर में 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब a1 अपॉन a2 अभी देखो मत, आप तो वैसे ही देखो, इधर इधर ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से। यस, ये 2/4 2/4 1/2 1/2 -3/-6 ये भी 1/2 आया, तो आशा देगी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आया, तो हम c1/c2 से भी पूछेंगे। ये कह रहा है नहीं, मैं 1/2 नहीं हूं, अगर यहां 16 होता तो 1/2 होता। तो हमारे को प्रश्न में दिख ही रहा है कि ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी असंगत है, ठीक है ना। इस तरह से तो आप तेजी से इस बात को हम दिखा देते हैं, 2/4 इज इक्वल टू 1/2 b1/b2 b1/b2 -3/-6 ये भी 1/2, ठीक है। a1/a2 b1/b2 b2, कई बच्चे प्यार से इसको पता है क्या बोलते हैं, बिट्टू। हाँ यस, इधर c1/c2 तो इधर -8/-9 ये कट गया, माइनस माइनस कैंसिल, 8/9। तो इसमें लिखेंगे क्या, चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू,
C1 अपॉन C2। तो समीकरण निकाय कैसा है, कैसा है? असंगत। बहुत अच्छे बच्चों, बच्चों बहुत खुशी होती है जब एक बार में आप समझ लेते हो, मन प्रसन्न हो जाता है। आइए अंतराल से पहले हम एक पार्ट और समझा दें, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, इसका ग्राफ अगर पूछे तो कैसा होगा? हाँ, समांतर रेखाएं खींचेगी, बिल्कुल, दो पैरेलल लाइन आ जाएगी, समांतर रेखाएं यहां होगी। आइए इन्हें देखें। पहले तो समीकरण बच्चों ध्यान से उतारा करो, कई बार तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे सवाल ही गलत उतार लेते हैं, तो सवाल फिर गलती होने से कोई रोक भी नहीं सकता। मिला लीजिए, जब हम भी आपके सामने मिला रहे हैं तो आप तो मिला ही लिया करो। इधर में 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर में 0 कर दीजिए, और 6x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले वैसे ही देखिए इसको, 1 अपॉन 2, हां 1 बटे 2 आया, माइनस माइनस कैंसिल, इसमें भी 1 बटे 2 आ रहा है, ये एक तरह से y है ना, एक y है, एक y, एक लिखा नहीं रहता है वहां पे, और इधर में माइनस माइनस कैंसिल 1 बटे 2। जब तीनों ही 1 बटे 2 आ रहा है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, यहां पे एक एक चीज अलग नहीं ले रहे हैं, इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसलिए समीकरण निकाय जो हमारा युग्म है वो कैसा होगा? संगत। अभी आप लोगों को समझाया था बच्चों, डायरेक्ट हम नहीं समझा रहे, ये असंगत हो गया, संगत हो गया। और इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक्चुअल में इस समीकरण को मैं डबल कर दूंगा ना बच्चों, तो ये समीकरण बन जाता है। तो जो ये दो समीकरण दिख रहे हैं मूल रूप से वो एक ही समीकरण है, इसलिए वो ओवरलैपिंग लाइन होती है कि भाई वो भी वही है, वो भी वही है, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो इसमें हल के मामले में पूछें तो अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, और इसमें ग्राफ के अंदर आपको बताया ना ओवरलैपिंग लाइन होती है, ये ध्यान रखना। तो जल्दी से ये दोनों उतार लीजिए, बचे हुए दोनों पार्ट आप स्वयं करेंगे। और इस दौरान बच्चों हर एक सवाल तो हम ग्राफ का नहीं समझा पाएंगे, हमें टारगेट जो है वो एक तो आपको समीकरण बनाना आ जाए, समीकरण बनाने के बाद में सारणी बनाना आ जाए, समीकरण की प्रैक्टिस करना। आप लोग इस बार ये एक्सरसाइज में थोड़े से कम है इस तरह के सवाल समीकरण बनाने वाले, तो वो कहीं एक्स्ट्रा बुक से आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखें कि कभी आ गया समीकरण बनाने वाला तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अटके नहीं, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए। और अगर डायरेक्ट समीकरण इस तरह से बना बनाया आता है तब तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो अब हम संभवतया ये उतार लिए होंगे आप लोग, यहां असंगत या संगत हमें बताना था, पहला सवाल था 4.1 का। आगे के सवाल किस तरह से सारणी बनाना है, किस तरह से कैसे हल करते हैं, मिलते हैं एक दो मिनट के अंतराल के बाद।
कि इस क्लास में बच्चों ये ग्राफ के बारे में आप समझिए थोड़ा सा। हो सकता है कुछ बच्चों को इधर एक्स एक्सिस पूरा नहीं दिख रहा हो, वो अब ये हम बता देते हैं आप लोगों को कि इसमें ये देखिए एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन, इधर वाई की पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ओ ओरिजन मूल बिंदु, ओ फॉर ओरिजन मूल बिंदु, ठीक है ना बच्चों। इधर एक दो तीन चार पांच छह इस तरह से लिखिए, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स इस तरह से, पहले से ये ध्यान रखना, कोई छोड़ना नहीं है आप लोगों को, इसको दस नहीं समझो बच्चों, ये ओ बिंदु है। इधर y का 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6। एक्चुअल में इसमें जो पैमाना माना ना हमने वो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, दोनों में एक ही पैमाना हम मान के चल रहे हैं, पैमाना 1 सेमी बराबर 1 इकाई। यस, अब देखिए सवाल नंबर दो में निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। प्रकृति यही कि अनंत हल होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पे पहला सवाल दूसरे का फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और सेकंड है 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। अगर आप देखें ये ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2। जब दोनों ये इक्वल नहीं है तो अद्वितीय हल हो गए। अद्वितीय हल होने की स्थिति में हमारे को ग्राफ पे कोई हल मिलेगा, कोई हल मिलेगा, ये ध्यान रखिए। तो हम इससे एक सारणी बनाते हैं, इससे दूसरी सारणी बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। अक्सर हम करते क्या हैं, x प्लस वाई बराबर 3 और आपको अक्सर y बराबर निकाल के समझाया जाता है कि y बराबर 3 माइनस एक्स, और ऐसे ही ये 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 है। तो बच्चों ये ध्यान रखो, आप y बराबर चाहे निकाल लीजिए लेकिन y को कभी भी नेगेटिव मत छोड़िए, माइनस में मत छोड़ो, ये ध्यान रखो, नहीं तो वो गलती करवा देता है। 3x माइनस 4 इधर ले लिया बराबर 2y, पॉजिटिव कर दिया उसको, तो 3x माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। इसमें कई नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे दो से इस चार को देखते ही कट कर देते हैं, जबकि बच्चों इस दो का इस पे और इस पे दोनों पे समान अधिकार है। ये 3x ऐतराज करता है और ये कैसे कट कर दिया भाई उसको, और वो पता है ऐतराज करके क्या कर देता है, नंबर कटवा दिया आपके, ये ध्यान रखो। तो थोड़ी सी इन अंकों की आवाज सुना करो आप लोग। ऐसे यहां पे y बराबर 3 माइनस एक्स बिल्कुल बेहद आसान है, यहां पे हम x के मान लगा रहे हैं, y के मान हम प्राप्त कर रहे हैं कि माना, कुछ बच्चों को ये माना ही नहीं दिख रहा, अरे माना x बराबर 0 तो y बराबर 3 माइनस 0 बराबर 3, और ऐसे ही x बराबर 1 तो y बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर क्या आया 3 माइनस 2 बराबर 1। तो यहां पे जो सारणी बनी हमारी x और y के मान की, तो x का मान 0 1 और 2, इधर 3 2 1, हर स्थिति में इनका टोटल 3 है। ठीक इसी तरह से यहां पे y बराबर आप इधर का इधर भी लिख सकते हो y, अगर हम यहां पे y बराबर 3x माइनस 4 अपॉन 2 लिख रहे हैं, x का मान हमने 0 लगाया,
x बराबर क्या लगा रहे हैं बच्चों, शून्य, तो y बराबर ये शून्य माइनस चार बटे दो हो गया अर्थात माइनस दो, और x बराबर बच्चों सुनो एक लगाओगे तो मान बटे में आएगा, तो आप दो लगाइए। तो अब हम थोड़ा सा तेजी से कर रहे हैं वक्त बचाने के हिसाब से, तीन दुनी छह, छह में से चार गए तो दो, दो बटे दो बराबर एक, और इसी तरह से x बराबर चार तो y बराबर चार, तीन से गुणा हुआ चार तिया बारह माइनस चार आठ बटे दो अर्थात तो y बराबर चार। तो ये तो इसकी सारणी बन गई, इधर दूसरे समीकरण की जो सारणी बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, हां हां, x और y तीन मान पर्याप्त हैं, चार भी आप ले सकते लेकिन दो से बचिए। अब यहां पे आपने x के मान माने जीरो दो चार और y के माइनस दो एक और चार, इनमें किस स्थिति में आप लोगों को दोनों में कॉमन दिख रहा है, देखो ये दो एक दोनों में कॉमन है, जब ये दोनों में कॉमन है तो कटेगा तो यही, उत्तर तो आ गए हमारे x बराबर दो y बराबर एक, क्योंकि ये दोनों रेखाओं पे स्थित है। अब हम आप लोगों को इधर ग्राफ की ओर ले आते हैं इसको, यस इधर ध्यान दीजिए, अब नहीं तो वक्त हो जाएगा हमारी क्लास का। पहला था जीरो तीन, आप लोगों ने नाइन्थ में भी समझे थे टेंथ में भी समझे, निर्देशांक लगाना जीरो तीन जीरो तीन, इस जगह पे पॉइंट लगा, इसके बगल में जीरो तीन लिख लीजिए। अगला है एक दो, ये एक और दो के सामने यहां पे पॉइंट लगाया, एक दो लिख लीजिए, और इसी तरह से दो एक लिख लीजिए। ये तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप एक सरल रेखा खींच दीजिए, आपको जान के खुशी होगी कि तीनों बिंदुओं से एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। तो जरूरी नहीं है कि इन तीन को मिलाते हुए लाइन खींचो, बढ़ा दो जितनी लंबी स्केल, क्योंकि यह भी उसका एक पॉइंट होगा 30, और इसके बगल में यह समीकरण लिख दीजिए, किसका था यह, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब दूसरे में 0 माइनस 2, कहां है 0 माइनस 2, ये रहा 0 माइनस 2, और अगला पॉइंट है 2 1, वो पहले से लगा हुआ है 2 1, दो एक पहले से लगा हुआ है, और अगला है चार चार, तो चार चार किस जगह लगा बच्चों, इस चार की सीध में और इस चार की सीध में, यहां लग गया ये पॉइंट चार चार, बस इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। चार चार है ना बच्चों, ये ध्यान रखिए, यहां पे दो एक, आप देखेंगे कि ये तीनों एक सीध में होंगे बच्चों, बिल्कुल ये इससे भी गुजरेगा, और ये आप जब ग्राफ में करेंगे तो कहीं कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, दो एक पे ये कट कर रहा है, इसका जो मूल समीकरण है वो हम यहां लिख देंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, चूंकि किस जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दो एक पे, तो अतः x बराबर 2 y बराबर 1, ये उत्तर हो गए। ये आप ये जो सारणी वाला वर्क है वो लाइनदार कॉपी में कीजिए, जो आप लोगों को कॉपी मिलेगी, और ये काम आपको ग्राफ में करना है पेंसिल से, इन बातों का ध्यान रखिए, और ये उत्तर जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उत्तर है x बराबर 2 y बराबर 1। अब इस 4.1 में हर एक सवाल आप लोग करें, खासतौर से जो चौथा सवाल है ना बच्चों, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, वो 6 नंबर लायक सवाल है सवाल नंबर 4, कि इसमें कई चीजें पूछी है,
निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। वाई अक्ष द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, तो वो एक नई बात दे दी आप लोगों को, ठीक है। तो हमारी समझ में आप लोग 4.1 अच्छी तरह से कर लेंगे और फिर इसी क्रम को हम आगे अगली क्लास में आप लोगों को ले चलेंगे 4.1 के ही आगे के सवालों में। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।